हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? देखिए, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन इन हायर स्टडीज में नॉट सूट इंडिया, ऐसा हाउस पैनल आपका कह रहा है कि आप एक बार आप अपने हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में घुसो और आपको ब्रेक लेना है। आप 1-2 साल कुछ छोड़ दो, अपना काम करो, वापस से आपका हो गया बढ़िया, नहीं हुआ वो भी ठीक, आप वापस से आके ग्रेजुएशन अपना वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हाउस पैनल यही बोल रहा है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन जो है आपके हायर स्टडीज़ में वो इंडिया के लिए सही नहीं है। अब देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। आफ्टर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स रेज ऑब्जेक्शन टू दी ऑप्शन ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट MEME इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन। अब देखिए, यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन हेडेड बाय बीजेपी MP विवेक ठाकुर हैज एडवाइज द सेंटर टू होल्ड डिस्कशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स। द पैनल इन ए रिपोर्ट टाइटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन हायर एजुकेशन, तो ये आपके रिपोर्ट का नाम है, सेड इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर लाइकली टू फेस सेवरल इशूज इन इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम। द रिपोर्ट वॉज टेबल्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में हो गया, ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड स्पेशल सेशन। तो ये स्पेशल सेशन में ही ये रिपोर्ट वहाँ पे टेबल की गया है। टेबल मतलब उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, रखा गया है डिस्कशन के लिए। द NEP पर्पसेस मल्टी एंट्री पर्पसेस कह रहा हूँ, NEP प्रपोजेस मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया कि आप एक बार घुसो, फिर ब्रेक लो, फिर 1-2 साल बाद आ जाओ, फिर ब्रेक ले लो, फिर 1-2 साल, आप चाहो तो 4 साल की डिग्री को आप 8 साल में कर लो, 10 साल में कर लो, वही चीज़ बोला जा रहा है। तो वो NEP ऐसा ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। द पैनल सेड व्हाइल द MEME मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट लुक लाइक अ फ्लेक्सिबल सिस्टम विच वॉज बींग ऑपरेटेड बाई वेस्टर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली, इट माइट नॉट वर्क वेल इन द कंट्री। हमारे लिए ये सही नहीं है, भले वेस्ट में यूज़ हो रहा है। साइटिंग हाई पॉपुलेशन इट सेट द एस्टिमेटेड इनटेक ऑफ स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन एवरी ईयर वॉज हाई। तो यहाँ पे मेन हमारी दिक्कत हो जा रही है हाई पॉपुलेशन की। हाई पॉपुलेशन के वजह से ऐसा चीज़ हम नहीं कर सकते, MEME को नहीं हम लोग ला सकते। इफ इंस्टीट्यूशंस अलाउ MEME तो देखते हैं क्या होता है। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंस्टीट्यूशन टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड एग्जिट एंड हाउ मेनी वुड ज्वाइन मिडवे। तो ये नहीं पता रहेगा कितने एग्जिट करेंगे और कितने ज्वाइन करेंगे। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सिंस इंस्टीट्यूशन वुड वुड नॉट नो द इन एंड आउट ट्रैफिक इट विल सर्टेनली डिस्टर्ब द प्यूपल टीचर रेशो। तो मतलब उनके टीचर फिर वो होंगे ना, जैसे कि आप देखिए 100:1 टीचर है, 200:1 टीचर है, ये हमारे यूनिवर्सिटीज में होता है, 50:1 हो गया, जैसा भी, जैसा आप जो भी नंबर मानिए, हम वहाँ पे स्टूडेंट के बेसिस पे टीचर्स को रखते हैं। अब जब हमें यही नहीं पता होगा कितने स्टूडेंट्स आने वाले हैं और कितने जाने वाले हैं, तो क्या हम टीचर्स को ये कैसे करेंगे? कभी हो सकता है कि हमें 500 स्टूडेंट आ जाए, तो भाई ऐसा हो गया कि टोटल 600 हो गया, फिर भी टीचर एक है। और कभी ऐसा हो गया कि हम 100 पे एक टीचर रखे थे, पर 50 से ज़्यादा बच्चे ही चले गए, तो 10 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। तो ये चीज़ मैनेज करना यूनिवर्सिटीज़ के लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। द मेंबर्स ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न द अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएटिंग हर्डल्स इन मैनेजिंग MEME इन सेवरल एरियाज मोस्टली द कंट्री साइड। तो जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे इंस्टीट्यूट्स है उसके लिए भी, मतलब जो उनका लोकेशन है उसके वजह से भी ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। द इंस्टीट्यूशन हैव नॉट थॉट वेरी क्लियरली अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड हाउ विल दे रिजॉल्व इट व्हेन इट इज़ एट देयर डोर स्टेप। अभी इंस्टीट्यूशन ने ये चीज़ सोचा नहीं है और वो चीज़ कैसे सॉल्व करेंगे जब ये उनके ऊपर लागू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। द पैनल हाउएवर नोटेड दैट MEME मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट वुड ऑफर स्टूडेंट्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस इन देयर एजुकेशनल पाथवे एंड आस्क द सेंटर टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन एंड अ वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क फॉर MEME ऑप्शन, ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म, प्रोवाइडिंग अ क्लियर रोड मैप फॉर स्टूडेंट परसुइंग डिफरेंट एग्जिट पॉइंट्स। ठीक है, तो मतलब बोला जा रहा है ठीक है इसको कर सकते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट, बस आप यहाँ पे उसके ऊपर गाइडलाइंस जो है उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रखिए। क्या
जैसे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अच्छे से बताओ, ये नहीं कि कोई भी स्टूडेंट पहुंच जाए। क्रेडिट ट्रांसफर मैकेनिज्म, जो आपके यहाँ मार्क्स आ रहे हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगे आगे, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को क्लियर रोड मैप दोगे तो उससे हो सकता है कुछ प्रिडिक्ट हो सके। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने एक मार्क्स ला दिया, मार्क्स एक क्राइटेरिया कि 9.0 CGPA के ऊपर ही जो बच्चे होंगे वो आपके वो कर पाएंगे, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाया कि वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना एग्जिट ले सकते हैं 9.0 वाले। तो आपको पता है कि अरे ये लोग तो तेज है, तो आप अपने डेटा रिकॉर्ड में देख सकते हो 9.0 कितने बच्चे क्या रहे हैं, तो आप वहाँ से प्रिडिक्शन कर सकते हो। या तो एक हो गया कि तेज बच्चे हैं इनको मौका दिया जाए इनको जो करना है, या तो एक हो गया कि भाई ठीक है आपके 4.5 वाले बच्चे या बिलो 5 वाले बच्चे अगर CGPA वाले जा सकते हैं आपके यहाँ से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो एक ये क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई इन लोग को वैसे भी सब्जेक्ट में मन नहीं लग रहा है, ये इनके लिए सही नहीं है, ये तो ये एग्जिट ले सकते हैं, तो यहाँ भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये दो चीज क्राइटेरिया मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे आप देखिए यूनिवर्सिटीज प्रिडिक्ट कर सकती है, अच्छा 50 में से 2 बच्चों का 9.0 है तो 2 बच्चे जा सकते हैं, या 10 बच्चों का 4.5 और 5 है तो वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन हो सकता है इससे, ठीक है। ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम, जो ये कैट का सिस्टम है, क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम दैट अलाउ स्टूडेंट टू अर्न एंड ट्रांसफर क्रेडिट सीमलेसली अक्रॉस इंस्टीट्यूशन वुड फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम सर्टिफिकेट कोर्सेज टू डॉक्टोरल प्रोग्राम्स द रिपोर्ट सेड। तो ये कैट का सिस्टम लिया है, ये क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम, जिससे इधर के मार्क्स आप उधर ट्रांसफर कर सको, कि आप अगर एक समान हो आप किसी पढ़ाई में 2 साल दे दिए तो और वहाँ से आपको छोड़ के जाना है, आपको जाना है, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि आपका वो 2 साल वेस्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बात हो रही है, CAT सिस्टम, क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम द रिपोर्ट सेड। ठीक है, द पैनल रिकमेंडेड दैट द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैव वाइडर कंसल्टेशन विथ वेरियस यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन देर रेगुलेटरी बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू डिवाइस वेज इन व्यू ऑफ द डिफिकल्टीज बींग फेस्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द MEME ऑप्शन एंड अप्रेज द पैनल ऑफ इट। ठीक है, द केरला गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड नॉट टू इम्प्लीमेंट MEME इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन स्टेट। तो केरला गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया कि हम तो ये नहीं करेंगे, हमारे में जो पढ़ने आना है उसको ये MEME का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप एग्जिट नहीं ले सकते, मल्टीपल एंट्री नहीं ले सकते, जैसा चल रहा है बेसिक हम वैसा पढ़ाएंगे। और इस रिपोर्ट ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को ये बोला है कि भाई आप अलग अलग लोगों से पूछो, अलग अलग यूनिवर्सिटी से बात करो और उस उन लोगों से पूछो उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो है ही अपने लिए, ठीक है। अब आप देखिए MEME ऑप्शन अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये MEME क्या है, ये एग्जिट, ये एंट्री, एग्जिट और ये दोनों आपके मल्टीपल। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि बीच में कोर्स को छोड़ के चले जाओ, जैसे आपका मानिए 4 इयर्स का इंजीनियरिंग है तो 1, 2, 3, 4 ये आपके 4 इयर्स का इंजीनियरिंग है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, आपने 1 साल किया, आप यहाँ पे ब्रेक ले लिए, फिर 1 साल किया, फिर ब्रेक ले लिए, फिर 1 साल किया, फिर ब्रेक ले लिए, फिर 1 साल किया, तो यहाँ पे तो डिग्री हो जा रही है। तो आप देखिए इसको कर रहे हैं, अब ब्रेक मानिए एज्यूम करिए आप 1-1 साल के लिए ले रहे हैं, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ईयर्स में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो रहा है, जो 4 ईयर्स का है, 6 to 7 ईयर्स में, क्योंकि आपने 3 ब्रेक ले लिए, तो आप देखिए 6 to 7 ईयर में आपका कंप्लीट हो रहा है। तो ये मल्टीपल एग्जिट एंट्री पॉइंट है यहाँ पर। तो उसके यहाँ पे उन्होंने बता दिए पीपल टू टीचर रेशो आपका यहाँ पे हार्म होगा, और क्या क्या फैसिलिटीज रखनी है कॉलेजेस में वो सारी चीज़ें नहीं है, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, देखिए। ठीक है, एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, दूसरा आप यहाँ पे देखिए ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो लोकेशन यहाँ पे बहुत डाइवर्स है। ठीक है, तो ये दो रीज़न है कि ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक और चीज़ हमें करना पड़ेगा, कैट, ये जो यहाँ पर दे रखा है क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर सिस्टम, कैट का हो गया, और केरला गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया हम नहीं करेंगे। तो बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतनी चीज़, हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, आपको देखना है स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, बस एक ये स्टैंडिंग कमेटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट
फैक्चुअल मतलब स्टैटिक पोर्शंस हमारे लिए पॉलिटिक में ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्टैंडिंग कमिटी देख लीजिए। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।